थर्मोडायनामिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 12 दिया है। क्वेश्चन सेज एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, CO2 गैस, N2O गैस एंड N2O4 आर, ये वैल्यूज दिया हुआ kg पर मोल रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया है भाई, ये जितने भी सब्सटेंस दिया है इनका एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्मड इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्मड इन स्टैंडर्ड कंडीशन फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच आर दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका वैल्यू आपको इस केमिकल रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए टू मेथड्स। अब देखिए यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन सब्सटेंसेस के लिए आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है 1 by 1। ठीक है, या तो आप अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन सभी सब्सटेंसेस के लिए इक्वेशन डेवलप कर लें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन। जैसे आपका दिया हुआ CO, तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्मड, ये CO हो गया और यहाँ पर 1 मोल ही सब्सटेंस फॉर्म करना है, तो यहाँ पर सी ये सॉलिड हो जाएगा और ये प्लस हाफ O2 हो जाएगा, हाफ O2 ये गैस हो गया, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन हो गया। यहाँ पर डेल्टा एच एफ लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या दिया भाई, फर्स्ट वैल्यू या -1110 एंड इट इज kJ पर मोल, किलो जूल पर मोल दिया हुआ। सिमिलरली CO2 के लिए भी आप डिजाइन कर सकते हैं इक्वेशन, ये सॉलिड हो जाएगा और ये O2 हो जाएगा, ये गैस, इसके बाद में CO2 बनाएगा, ये गैस हो गया, और डेल्टा एच एफ बना सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा -393 हो जाएगा। सिमिलरली इन सभी 4 सब्सटेंसेस के लिए आप 4 इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, 4 इक्वेशन, और इन 4 इक्वेशंस को यूज करके आपको ये मेन इक्वेशन बनाना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने हेस लॉ के बारे में पढ़ा होगा कि एंथैल्पी चेंज, जो एंथैल्पी होता है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए व्हिच इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप या मल्टीपल स्टेप, जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, ये हेस लॉ ने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए ये 4 केमिकल रिएक्शंस होगी, इन 4 केमिकल रिएक्शंस को लेकर के चाहे इस रिएक्शंस को आप डेवलप कर लें, फिर एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर लें अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। ये इतना सारा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस केमिकल रिएक्शन में हर एक सब्सटेंस का, यहाँ पे अगर आप देखें N2O4, CO, N2O एंड CO2, इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, डायरेक्टली वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ से भी आप डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 मेथड्स हैं हमारे पास में, चाहे ये मेथड यूज कर लें यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर आएगा, और चाहे डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करें, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। इसी वजह से इसको स्टेट फंक्शन बोला जाता है, ये फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में भी चला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, काफ़ी ये लेंदी क्या प्रोसेस हो जाएगा, इक्वेशन डेवलप करिए और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इन इक्वेशन को फ्लिप करिए और ऐड करिए, फिर इसके बाद में टोटल जब सम करेंगे मल्टीपल स्टेप का, जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो सिंगल स्टेप के एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा, ये अकॉर्डिंग टू हेस लॉ हुआ है। ठीक है भाई, और ये एक फॉर्मूला हो गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच आर। ठीक है, अच्छा देखिए भाई यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करते हैं, टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया N2O, N2O का वैल्यू क्या है भाई, 1, 2, 3, ये थर्ड पोजीशन में N2 दिया तो थर्ड वैल्यू भी हो जाएगी 1, 2, 3, थर्ड वैल्यू 81 हो गया, ये 81 हो गया। ठीक है, प्लस ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई CO2 का वैल्यू क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड है आपका CO2, तो यहाँ से सेकेंड वैल्यू हो जाएगी -393, यहाँ पे कर दिया -393, ये हो गया भाई, ये पूरा वैल्यू हो गया किसका, प्रोडक्ट का। अब देखिए ये माइनस है, माइनस लगाइए, अब आप जाइए रिएक्टेंट साइड, रिएक्ट में N2O4, यहाँ पे अगर आप देखें सबसे लास्ट में दिया हुआ है N2O4, मतलब यहाँ पर लास्ट की वैल्यू हो जाएगी 9.7, यहाँ पर 9.7 दिया, सभी का यूनिट है किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसके बाद में 3CO फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट माइनस, बट यहाँ पर 3 मालिक्यूल्स ऑफ CO दिए हैं, तो यहाँ पर प्लस करिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई CO का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई,
कार्बन मोनोऑक्साइड -110 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, दोनों के केस में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 81 किया और ये तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 3 3 या 9, ठीक है, 3 9 या 27, 3 3 या 9 ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस दिया हुआ है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 9.7 दिया है और ये हो जाएगा -330 हो जाएगा। ये हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए भाई, 1179 में 81 हमें निकालना है, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये वैल्यू लार्ज है, ये ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू लार्ज है, तो यहाँ से -10 और ये आपका 98 मिल गया। यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान दीजिए भाई, ये आपका 330 दिया हुआ है और इससे आपको 9.7 निकालना है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा क्योंकि 330 का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9.7 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9 और ये 7 कर दिया। ठीक है, जीरो करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये 10 ये 3 मिल जाएगा। अब ये 9 बचेगा तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा, तो -3203 हो जाएगा। माइनस ये मिल जाएगा, माइनस 320 और 3 हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो -10 98 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 320.3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 320.3 सब्ट्रैक्ट करिए, 10 और ये 98 हो गया, 320.3 और ये डेसिमल लगाइए, यहाँ से इधर जाएगा तो ये 7 बचेगा, ये 7 बच जाएगा, ये आपका 7 बच जाएगा। ठीक है, ये 7 बचा हुआ है, ये 7 हो गया और यहाँ से आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 778 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए भाई, ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, तो इस वजह से जो ये वैल्यू है ना, तो नेगेटिव थी, इस वजह से इसका वैल्यू आएगा। राउंड अप कर लेते हैं, तो -778 -778 और 80 किलो जूल पर मोल ये यूनिट आ जाता है। ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा। हाँ, अगर आप इस मेथड को यूज करके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हर एक सब्सटेंस का लिखते हैं, याद रखिए जब कभी भी इक्वेशन डेवलप करेंगे, इन सभी इक्वेशन में आपको 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस ही फॉर्म करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बैलेंस करने के चक्कर में आप सोचें कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखें N2O4, यहाँ पर अगर आप देखें कि जैसे N2+O2 कर दिया और फिर इसके बाद में आपने लिखा N2O4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, ठीक है तो बैलेंस है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 मोल ही रहेगा, इसको 1 मोल ये बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ O2, तो ये ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। कीप इन माइंड, जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना है उस इक्वेशन में ये सब्सटेंस हमेशा 1 मोल ही रहना चाहिए, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन ही होता है कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म। तब इसके बाद में जब आप इन इक्वेशंस को यूज करेंगे और इस मेन इक्वेशन को डेवलप करेंगे तो आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से आसानी से इसको आंसर किया जा सकता है।